इस वक्त की बड़ी खबर कोवैक्सीन से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता दे दी है। सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर जोर दिया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, आखिरकार वो दिन आ ही गया और इसके पीछे बड़ी वजह प्रधानमंत्री की वो अपील थी जिसको माना गया है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बिल्कुल वो समय आ गया है क्योंकि WHO में कोवैक्सीन के यानी कि भारत बायोटेक जो जिसका प्रोडक्शन कर रहा है, इसको तैयार किया है भारत बायोटेक कंपनी ने केंद्र सरकार के साथ में मिलके, तो इसको लेकर एक आवेदन दिया था और कई बार WHO की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भारत बायोटेक की तरफ मंगवाए गए। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसकी अगर अप्रूवल मिल जाएगी तो भारत को इसका काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि कोविशील्ड ऐसी वैक्सीन है जो दुनिया में अभी साथ ही ऐसी वैक्सीन है जो अभी WHO की तरफ से मान्यता मिली है, जिसमें कोविशील्ड भी है, लेकिन कोवैक्सीन को नहीं मिली थी मान्यता। अब कोवैक्सीन को मान्यता मिलने के बाद इसका निर्यात हो सकेगा, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में निर्यात हो सकेगा दूसरे देशों में, और ऐसे लोग जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो भारतीय है, जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और किसी कारणवश कई देश में वो यात्रा नहीं कर सकते थे, वहां पर यात्रा वो कर सकेंगे, तो इसके कई फायदे आने वाले दिनों में मिलेंगे। जी, शुक्रिया रवि।